ये 2020 का ओल्ड पेपर है बेटा एसएससीसी का, कैसा पेपर आता है उसको समझिएगा, देखिएगा बिल्कुल, ना तो सिंपल है ना ज्यादा टफ है, बीच का पेपर आता है यहाँ पे बेटा, क्लियर है, ईएसआईसी पैटर्न का पेपर आता है। और इस बार नर्सिंग पूछी जाएगी 70 क्वेश्चन, और डेफिनेटली इस बार थोड़ी टफ आने वाली नर्सिंग, तो डिटेल में पढ़े, 2 महीने का खूब समय। यस, पहला क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग द पेशेंट डायग्नोस विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मरीज को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, जिसको अपन सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टिक मेनिंजाइटिस, और मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस यही होता है बेटा आरिबास में, ऑब्जर्व क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्टिंग द डायग्नोसिस विच डज ही सजेस्ट। अब नीचे जो साइन सिम्टम दिए गए उसमें से कौन सा साइन सिम्टम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है बेटा, बताइए। पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड नेचुरल एसिडिटी, कि पेशेंट को कर्निंग साउंड पॉजिटिव होगा, नेचुरल एसिडिटी होगी, नेगेटिव ओस्टेक साइन एंड फेशियल टिंगलिंग, तीसरा ऑप्शन कह रहा पॉजिटिव बेबिंस्की साइन एंड पेरिफेरल पैरेस्थीसिया, और चौथा ऑप्शन कह रहा नेगेटिव ट्रोसियस साइन एंड निस्टेगमस, बताइए ऑप्शन क्या करें। तो पहला जो है वो पॉजिटिव आपका बेटा कर्निंग साइन एंड नेचुरल एसिडिटी, तो बिल्कुल बेटा पॉजिटिव कर्निंग साइन और नेचुरल एसिडिटी क्लासिकल साइन सिम्टम है किसका, आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, तो ये ऑप्शन एकदम सही है बेटा। ओवरस्टेक साइन नेगेटिव बता रहा, और ये अगर पॉजिटिव ही होता तो ये किसको बताता, हाइपोकैल्सीमिया को बेटा, या जिसको अपन क्या बोलते हैं टिटेनी, TETNY, टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया को, फेशियल टैपिंग की वजह से आपका फेशियल ग्राइमिसिंग होती है बिलो फेशियल नर्व पे टैपिंग की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया को बताता है। ट्रोसेस साइन क्या होता है बेटा, आपका अपर आर्म पे आप बीपी कप इन्फ्लेट करें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच के, और 3 से 5 मिनट तक इन्फ्लेट करके रखें, इसकी वजह से कार्पोपेडो स्पाज्म होगा, किसमें देखने को मिलता है, ये भी हाइपोकैल्सीमिया को बताता है, तो ये भी साइन आपका नहीं होगा बेटा। निस्टेगमस, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है डांसिंग ऑफ आईबाल आपका आरिबास में, इसके अलावा बेबिंस्की साइन बेटा आरिबास में, क्लियर, प्लांटर फ्लेक्शन एडल्ट में और बच्चों में डोर्सिफ्लेक्शन नॉर्मल है, और ये बेटा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स को बताता है एक एज के बाद अगर रहता है, पेरिफेरल पैरेस्थीसिया वगैरह विटामिन B6 की कमी से, पैराडॉक्सिन आपकी डेफिशिएंसी से हो सकता है आरिबास में, आइसोनेजिट की वजह से हो सकता है, बहुत सारी डिजीज में होता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड नेचुरल एसिडिटी, तो राइट आंसर जो जाएगा वो ए जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 राइट फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर एस फॉलोज, ये आपका HSSC 2020-21 वाला पेपर है, उसका आपका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पुट किए, कैसा पेपर आता है HSSC में उस पे अपन ध्यान रहे बेटा। यस, द 6 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आर एस फॉलोज, राइट मेडिकेशन, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन, पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट प्रिस्क्रिप्शन, राइट डेट एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये गलत है बेटा, राइट डोज, राइट रूट, राइट सिम्टम, सिम्टम कहीं नहीं आता तो ये भी गलत है बेटा, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट फॉर्मुलेशन, राइट फॉर्मेशन कहीं नहीं आता किसी भी एग्जाम आपका बेटा, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए, राइट मेडिकेशन, राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन, आपका 6R को डिनोट करते हैं, इनको 6R बोलते हैं अपन, राइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के लिए, तो राइट आंसर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साइकोथेरेपी द पेशेंट डायरेक्टली एक्सपोज टू फोबिक स्टिमुलाई बट एस्केप इज मेड इम्पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा बेटा। यस, जवाब दे दीजिएगा, और क्लास अच्छी लग रही तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच साइकोथेरेपी द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द फोबिक स्टिमुलाई, किस थेरेपी में पेशेंट को डायरेक्टली आपका बेटा, पेशेंट को किस साइकोथेरेपी में डायरेक्टली अपन बेटा एक्सपोज करते हैं फोबिक स्टिमुलाई के प्रति, और उसके प्रति उस फोबिक इम्पॉसिबल है उस फोबिक स्टिमुलाई से, मतलब सीवियर अपन स्टिमुलाई के प्रति एक्सपोज करते हैं बेटा, एवर्जन थेरेपी, फ्लडिंग, सिस्टमेटिक डिस्टेंसिंग या सेपिंग। यस, ये कह रहा है कि एक्सपोज टू द फोबिक स्टिमुलाई आरिबास में डायरेक्टली एक्सपोज, एस्केप इज मेड इम्पॉसिबल, क्वेश्चन ये कह रहा है, जहां पे बचना मुश्किल है पेशेंट का, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजिंग में अपन फोबिक सिचुएशन के प्रति एंजाइटी वगैरह को लीव कराने के लिए फोबिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक 3 लेयर ढंग में देते हैं अपन बेटा, क्लियर है, आरिबास में सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजिंग, फ्लडिंग या सिस्टम, तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजिंग जो है वो पावलोव जो है बेटा, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे आधारित है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे आधारित एक क्वेश्चन आ चुका बेटा आरिबास में, क्लियर, राइट आंसर क्या जाएगा इसमें। यस, बहुत सारों के जवाब ए है, बहुत सारों के सी है, बहुत सारे डी दे रहे हैं, बहुत सारे ए दे रहे हैं, बहुत सारे बी दे रहे हैं, बताओ फ्लडिंग क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, जल्दी कमेंट कीजिएगा। गुड इवनिंग बेटा, यस राइट आंसर गोज टू बी फ्लडिंग, सडन एक्सपोज करना फ्लडिंग कहलाता बेटा आरिबास में, बिहेवियरल थेरेपी के एग्जाम्पल है, नॉर्मल पर्सनैलिटी इन हेल्थी एडल्ट,
अब देखो 90 110 133 नियर बाई चूज करना, हालांकि नॉर्मल पल्स रेट 72 to 80 रहता है, पर बेटा अब नियर बाई कौन है 90, इसलिए राइट आंसर का जाएगा ए, सिंपल क्वेश्चन आया है। देखिएगा विच अमंग फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिजीज, कि इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, तो कार्डियोवैस्कुलर आपका बेटा कम्युनिकेबल नहीं है, ये आपकी डाइटरी हैबिट रेस वगैरह बहुत सारे जिम्मेदार रहता है, कैंसर भी आपका एनवायरमेंट पर करता है, टीबी बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज है, और टीबी एयरबोन भी है बेटा और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी है बेटा, दोनों तरह की आपकी आर्यवासी, इसलिए अपन बेटा N95 मास्क वगैरह हेपा मास्क वगैरह यूज करते हैं, और डायबिटीज मेलेटस भी आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो राइट आंसर क्या जाएगा ट्यूबरक्लोसिस आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये प्रीवियस ईयर का मैं पेपर बता रहा हूं बेटा। नेक्स्ट, लेकिन इसको देखना आपका जीके का कैसा क्वेश्चन आता है, व्हाट मेजर हेल्प टू प्रिवेंशन ऑफ डाइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिशन, किसी मरीज को ऑक्सीजन एडमिशन कर रहे हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी क्या नहीं हो, ड्राई नहीं हो, उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेबुलाइजेशन करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन, कंबुशन या स्टिमुलेशन, तो सबसे बढ़िया तरीका ह्यूमिडिफिकेशन यूज करेंगे बेटा, ताकि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या नहीं हो, ड्राई नहीं हो। विच इज द अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस, फीटस में सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है बेटा बताइए, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और मेहनत कीजिएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और सभी SGPGI के कैंडिडेट को लक लक बधाई और कांग्रेचुलेशन, जिनके नंबर 78 या 80 से ऊपर आ रहे हो, चाहे जनरल में हो, चाहे OBC में हो, चाहे SC ST में, उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। काफी बच्चों का मैसेज आया, एक लड़की जिसके 84 नंबर आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट है, वो घबरा रही है सर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने कहा दादी तेरा ही नहीं होगा तो होगा किसका भाई, फिर होगा किसका, चलिएगा। नेक्स्ट, तो सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन IgM है बेटा, कौन सी IgM है, ये 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे फीटस में बढ़ जाती है, लेकिन 8 टर्म बर्थ के समय ये क्या रहती है, एब्सेंट रहती है आर्यवासम, पर सबसे पहले बनती कौन है 20 वीक पे आपके IgM बेटा आर्यवासम, तो राइट आंसर जाएगा दो बेटा IgM, यस। बहुत सारों के आंसर देखो इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी लोगों के आंसर गलत होते हैं, तो एक एक नंबर मायने रखता है बेटा, पोस्टें खूब है पर कंपटीशन भी काफी है। व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो गोल्डन कलर का उसका कारण क्या, RH incompletely, preterm labor, postural maturity, oligodynamics, अरे बात तो पोस्टर में तो आपका बेटा ओलिगोडमिया में तो कलर आपका स्ट्रा कलर का हो जाएगा, थोड़ा येलो कलर का, RH incompatibility में कैसा होगा, गोल्डन कलर का होगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा ए। ये प्रीवियस ईयर HSSC का पेपर है, आप पेपर का पैटर्न समझो, और इस बार 70 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, और आपका बहुत बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस MCQ बैच चलाने वाले, जिसमें अपन ऑफलाइन टेस्ट भी लेंगे रोहतक वाली ब्रांच में, हरियाणा की रोहतक ब्रांच में, स्पेशली HSSC के लिए, तो बैच ज्वाइन करने के लिए आज ही 8686865368 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज कॉल्ड, क्लियर है, सर्वे के लिए पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन के सबसेट को सेलेक्ट करना तो क्या कहलाता है बेटा, सैंपलिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है। अरे बात में सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट एज ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्माइल कर, सोशल स्माइल कब होती है, अरे बात में बेबी मदर को रिकॉग्नाइज करता है 1 मंथ पे, और सोशल स्माइल डेवलप होती है 2 मंथ पे, पेडेट्री के क्वेश्चन आए, एमएसएन थोड़ी सी कम पूछी गई है लेकिन इस बार अच्छी आने वाली है एमएसएन SSSC में, क्योंकि 70 नंबर की है, पहले 20 नंबर की आती थी आपकी नर्सिंग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग CPR ऑन एडल्ट हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन टू बी डन, किसी एडल्ट का साफ लिखा CPR कर रहे तो चेस्ट कंप्रेशन कितना करोगे, 12 इंच, 3 इंच, 3 इंच, 7 इंच बताइए, तो राइट आंसर जाएगा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट 5.72 इंच, तो राइट आंसर आएगा 3, वैसे एडल्ट में कितना करते हैं 2 to 2.5 इंच अपन, यानी लगभग आपका वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 6.5 सेंटीमीटर तक अपन कंप्रेस करते हैं, और इंच में 2 से 2.5 इंच तक, लेकिन नियर बाय आंसर क्या जाएगा 3, वैसे राइट आंसर है 2 से 2.5 इंच बेटा, क्लियर है। विच ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, सिंपल सा क्वेश्चन है, PPH का मोस्ट कॉमन कारण है, अरे बस मैं PPH इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टिलिटी रेशियो एंड राइट, अरे बस MMR का मेन कारण है, उसका मेन जो कारण रह सकता है वो एटरोसिटी ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस की एटरोसिटी मेन कारण रहता है किसका, पोस्टमार्टम हेमरेज का, कि डिलीवरी के बाद यूट्रस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ब्लड वेसल्स ओपन रहती है और कंटिन्यू 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा आपका अरे बस में प्यूरपीरियम पीरियड में, क्लियर बच्चों, विद आपका साथ में वाइटल में मैसिव चेंजेस होंगे, क्या कहलाता है आपका पोस्टमार्टम हेमरेज। कंगारू मदर केयर प्रोटेक्ट द न्यूबोर्न, तो सिंपल क्वेश्चन है, किसको रोकने के लिए, हाइपोथर्मिया के बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं बेटा, मिनिमम 1 घंटा और 3 से 12 घंटे तक आप दे सकते हैं बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डेफिशिएंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है हर एग्जाम का, फिर रिटर्न, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मेन कारण कौन है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, अरे बस में विटामिन B9, क्लियर बच्चों। व्हाट इज डिजाइन टू एलिमिनेट एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड पैथोजन,
व्हाट इज डिजाइन टू एलिमिनेट, कौन सा प्रोसेस डिजाइन किया माइक्रोऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट यानी किल करने के लिए स्पोर्स और उनके पैथोजन फॉर्म सहित। इस घटनाक्रम को अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकल एसेप्सिस बेटा। कौन सा एसेप्सिस? क्लियर है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को उनका स्पोर्स सहित डिस्ट्रक्शन पैथोजन सहित क्या कराता है आपका, सर्जिकल एसेप्सिस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसेस इज नॉट परफॉर्म फॉर द करेक्शन ऑफ हर्षप्रोन डिजीज। नॉट पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना। हर्षप्रोन डिजीज जिसको अपन ने क्या बोला, मेगा कोलन बोला था, मेगा कोलन जो 10th क्रोमोसोम की नंबर फॉर्म है और इसके अंदर जो रेक्टोसिग्मोइड कोलन है, कौन सी कोलन बाल को, रेक्टोसिग्मोइड जो कोलन है वो अफेक्ट होती है किसके अंदर आपका, हर्षप्रोन डिजीज में। तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं करेंगे, तो डुआमेन करते हैं, स्वेंसन्स करते हैं, सोहास करते हैं बेटा। स्वेंसन में क्या करते हैं, अफेक्टेड पार्ट को कट करते हैं एंड टू एंड नंबर्स, लेकिन रामस्टेड प्रोसेसर नहीं करते हैं। अब फ्रेडेट रामस्टेड अपोजन या पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी ये जो करते हैं वो किस में करते हैं, पाइलोरिक स्टिनोसिस में। अरे किस केस में करते हैं, पाइलोरिक स्टिनोसिस में। इसलिए आपको यहां पे नोट पूछा, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, 3 जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट, विच फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड किसी पर्सन के एटीट्यूड के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर होता है, इन दिए गए फैक्टर में एनवायरमेंट का काफी बड़ा योगदान होता है बेटा। नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस परसीव बाय द प्रेग्नेंट वुमन इज टर्म्ड एज। पहला मूवमेंट जो मां फील करती है प्रेग्नेंट वुमन फीटस का, वो क्या कहलाता है, तो अपने को बताया वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग कहलाती है। और अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो कितने वीक ऑफ गेस्टेशन पे, 18 वीक पे, और मल्टी ग्रेविडा थोड़ी एक्सपीरियंस होती तो 16 वीक ऑफ गेस्टेशन पे फील होता बेटा आपका क्या, क्विकनिंग बेटा। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द आरिवास में मदर। क्लियर है, सब्जेक्टिव डाटा हो गया बेटा एक तरह से। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डिल्यूजन पेशेंट बिलीव दैट अदर वनसेल्फ और वर्ल्ड डू नॉट एग्जिस्ट। किस तरह के डिल्यूजन में पेशेंट ऐसा सोचता है कि ना तो वो खुद इस दुनिया में है, ना दुनिया उसमें है, या कोई इस दुनिया में विद्यमान नहीं है। दिस इज नोन एज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। क्या कहलाता है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन या डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो राइट आंसर जाएगा निहिलिस्टिक डिल्यूजन बेटा। ऐसे पेपर आ चुका है एचएसएससी का, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कैसा पेपर आता, तो ना तो बहुत ईजी आएगा ना बहुत ज्यादा टफ आएगा। और इसी के लिए हमने आपका एचएसएससी को ध्यान में रखते हुए गारंटी बैच, कोई ऑफलाइन बैच चलाया रोहतक में, आपका मेन पावर हाउस जो है रोहतक का आपका बेटा, गर्ल्स जो कॉलेज है मेन पावर हाउस पे, उसका ठीक सामने बिल्डिंग है आपकी बेटा, नई वाली बिल्डिंग आपकी रोहतक हरियाणा में बेटा, रेड टेप शोरूम के ऊपर की तरफ अपना क्लासेज है बेटा। तो एसएनए ज्वाइन करें बेटा, और एचएसएससी में आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपने को सच करें, स्टाफ नर्स बनने के सपने को सच करें बेटा। और उसके लिए नो सिलेक्शन नो फीस, बैच ज्वाइन करेंगे 7056 7077 या 8686865368 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अकॉर्डिंग। कौन सा हेल्थ की डेफिनेशन का कंपोनेंट नहीं है, तो WHO कहता है 1948 के WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल व्याधि की अनुपस्थिति हेल्थ नहीं कहलाता है, उसका फिजिकली मेंटली और सोशली पर्सन क्या होना चाहिए, फिल्ट होना चाहिए। लेकिन रिलीजियस स्पिरिचुअल व्यू बाद में हटा दिया गया, क्योंकि जो लोग धार्मिक नहीं होते वो भी तो कैथोलिक जैसे धार्मिक नहीं होते, वो किसी धर्म को नहीं मानते, तो इसका मतलब वो क्या स्वस्थ नहीं है, इसलिए रिलीजियस वर्ड को क्या करा दिया, हटा दिया गया। तो राइट आंसर इसमें 3 जाएगा बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिया एक्सेप्ट। मेनिया का कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है, एक्सेप्ट पूछा बेटा। यस, चले आगे। बहुत सारा एक पर्सन रास्ते में जा रहा था, तो पड़ोसी ने पूछा कि रास्ता कहाँ जा रहा है, तो बोला ये रास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरी बारात इसी रास्ते से आई है, तो ऐसा नहीं है कि पहले फेल हो गए तो तुम उस रास्ते को बर्बाद समझो। जिंदगी में असफलता इसलिए आती है कि आप सफल हो सको, आप सीख सको, आप बेहतरीन बन सको, और छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं, मेहनत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, इसलिए मेहनत करें आप बेटा। यस, और ऐसा ने आपके साथ हमेशा खड़ा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिया एक्सेप्ट। तो कौन सा पैटर्न नहीं है, तो इलेशन ऑफ मूड होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है, इनकी साइकोमोटर एक्टिविटी, लेकिन डिसओरिएंटेशन नहीं होगा, उल्टा ज्यादा ओरिएंटेड होगा मेनिया का पेशेंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। किसी मरीज को क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, ये बेटा एचएसएससी के पेपर है बेटा, एचएसएससी 2020-21 में जो पेपर हुए थे ना, वो ओल्ड पेपर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन डेफनेस, कोलेस्टियोटोमा, मास्टोडाइटिस या एपिलेप्सी, बताइए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन।
यस बेटा, थोड़ा झुकाव रहेगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेफनेस रहेगा, उसके बाद एपिलेप्सी रहेगी, तो राइट आंसर ए जाएगा बेटा, और एपिलेप्सी भी राइट हो सकता है। द रेस्पॉन्स ऑफ सेंडर टू मैसेज इज, सेंडर अगर मैसेज भेजता है उसका जो रेस्पॉन्स देता है वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता बेटा, क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। इजी क्वेश्चन है, हॉट एप्लीकेशन अकम्प्लीज विच ऑफ द फॉलोइंग, हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो गलत जवाब है, हॉट एप्लीकेशन तो इन्फेक्शन का रुकाव नहीं होता है। डिक्रीज जॉइंट स्टिफनेस, बिल्कुल जॉइंट की स्टिफनेस कम होती है हॉट एप्लीकेशन से, एग्री है। डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, और मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, डायलेट होगी, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, जॉइंट की स्टिफनेस क्या होगी, कम होगी। द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस जो होती है, जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, वो टेम्पररी किसके द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा रिड्यूस की जाती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द साइनोनिमस ऑफ कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स का आपका बेटा पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कोलैप्सिंग पल्स को अपन वाटर हैमर पल्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वाटर हैमर पल्स बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स को। यस, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज, नॉट पूछ रहा है कि कौन सी मॉस्किटो बोर्न नहीं है, तो मलेरिया, डेंगू, वेल्स या नानोपोको, तो वेल्स जो फीवर है इसी को अपन स्कारलेट फीवर बोलते हैं बेटा, और ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, तो ये कौन सी है स्कारलेट फीवर, ये कम्युनिकेबल है, लेकिन आपका आपका कौन सी नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी नहीं है, मॉस्किटो बोर्न नहीं है, बाकी मलेरिया डेंगू सब मॉस्किटो से होती है, आपको पता ही है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज डेमोग्राफी, एंड इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट थे वो हिप्पोक्रेट्स थे बेटा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फादर जो आपका डेमोग्राफी का है वो कौन है, जॉन स्नो इज द मॉडर्न फादर ऑफ डेमोग्राफी। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट सॉरी डेमोग्राफी का नहीं है ये, तो क्या है, डेमोग्राफी तो साइंटिफिक स्टडी है, डिजीज की स्टडी क्या कहलाती है बताइए, माफी चाहता हूँ डेमोग्राफी पूछ रहा है, तो राइट आंसर डेमोग्राफी, और डिजीज की स्टडी क्या कहलाती है बताइए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज नॉन एज, उसके फादर कौन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी, और एपिडेमियोलॉजी के जो फर्स्ट फादर माने जाते हैं वो कौन है, हिप्पोक्रेट्स, और मॉडर्न जो फादर माने जाते हैं, मॉडर्न फादर वो माने जाते हैं बेटा जॉन स्नो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डेमोग्राफी के बारे में पूछा, कंफ्यूज नहीं होना आपका एपिडेमियोलॉजी और डेमोग्राफी के बारे में। यस चलिएगा, नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ एरिक इरेक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी डील्स विद एडोलेसेंट, एरिक इरेक्शन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एक क्वेश्चन बन सकता है कि एरिक इरेक्शन ने कौन सी थ्योरी, तो साइकोसोशल, या साइकोसोशल थ्योरी किसने दी, एरिक इरेक्शन ने, उसके अकॉर्डिंग एडोलेसेंट को क्या बोलते हैं, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एज बोलते बेटा, क्लियर, आइडेंटिटी प्लस, देखिएगा इसकी आपकी 7-8 स्टेज होती है, पहले स्टेज में बेटा बेसिक ट्रस्ट एंड मिस्ट्रस्ट डेवलप होता है इन्फेंसी में, जिसमें बर्थ से लेकर 18 मंथ तक के बच्चे शामिल है बेटा। दूसरे नंबर पे आता है स्टेज सेकंड, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम होता बेटा एंड डाउट वगैरह होता, अर्ली चाइल्डहुड 18 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चे, अरे बस में। तीसरे नंबर पे आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, जिनको अपन प्री स्कूलर बोलते हैं, 3-5 साल के बच्चे, अरे बस में, क्लियर। चौथे नंबर पे आती है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, अरे बस, स्कूल एज 5-11 साल तक बेटा, सीकिंग मोर फ्रीडम एंड डेवलपिंग सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे टारगेट रहेगा बेटा। नेक्स्ट स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, एडोलसेंट के अंदर बेटा पीरियड जो है 12-18 साल तक का ही, और यही अपन को पूछा कि एडोलसेंट में डेवलपिंग ए सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी डेवलप होनी चाहिए बेटा, अरे बस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, 3-5 फेसिंग चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग देंग, अरे बस में। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद स्टेज 6 को इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन बोलता है यंग एडल्ट, जो 18-40 साल तक के बेटा, और स्टेज 7 को जनरलाइज वर्सेज स्टैग्नेशन बोलते हैं, मिडिल एडल्टहुड बोलते हैं इसको, 40-65 साल, और स्टेज 8 इंटीग्रेटिव वर्सेज डिस्पेयर होता है मेच्योरिटी, 65 साल से ऊपर तक के बच्चे बेटा, अरे बस, अरे कोई डाउट है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, द फेज अकरिंग इमीडिएटली आफ्टर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इज कॉल्ड, बताइए बच्चों कौन सी फेज में आपका बेटा एमसी बंद होने के बाद नेक्स्ट फेज कौन सी आती है, तो प्रोलिफरेटिव फेज आती है, अरे बस में, जो कि 6-14 दिन तक चलती है, इज इट क्लियर ऑर नॉट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी, तो किसी का एब्सोल्यूट पूछे तो किसी का अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, हालांकि सभी में आपका आईसीपी सॉरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कौन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन आपकी ईसीटी, लेकिन स्पेशल इंडिकेशन इंक्रीज आईसीपी बेटा। फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडमिशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, किस केस में टीपीएन दोगे, टीपीएन दोगे तो हाइपरग्लाइसिमिया और पोस्ट ऑफ हाइपोग्लाइसिमिया का कॉम्प्लिकेशन होता है, पूछ रहा है कि टीपीएन जो है
वो आपका किस केस में, तो किसी को एक्यूट पेनकार्डाइटिस है तो एनपीओ रखते हैं मरीज को, और एनपीओ वाले मरीजों को अपन क्या दे सकते हैं, न्यूट्रल डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए क्या देते हैं, टैप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं बेटा। तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराया बेटा, किससे रिलेटेड, आपका हरियाणा सर्विसमैन सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर आने वाला है, जिसमें अभी 2 महीने का समय है, और उस 2 महीने के समय के अकॉर्डिंग बेटा एचएसएससी 2020 का ओल्ड पेपर बताया हम 23 मार्च 2023 से बेटा आपका ऑफलाइन बेस शुरू कर रहे हैं हरियाणा रोहतक में, हरियाणा रोहतक में बेटा आदिवास में। तो आज ही बेच ज्वाइन करें, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट गारंटी बेच है। कैसा बेच है? गारंटी बेच है, नो सिलेक्शन नो फीस। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी, आपकी फीस लौटा दी जाएगी। अरे बात में हालांकि हम पहले ले ही नहीं रहे, सिलेक्शन के बाद ही फीस लेंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। ये आपका पूरी जानकारी बेटा बेच ज्वाइन करने के लिए 7056 7077 77 पर या 8686 8653 68 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है ऑफलाइन के लिए, हरियाणा के स्पेशल बच्चों के लिए आपकी सौगात है बेटा। तो आप और ध्यान रखना, यहाँ पर हरियाणा की जो डीएनसी नर्सिंग कैरियर पॉइंट से जो ब्रांच है वो एसएनए की ब्रांच है बेटा, तो वहाँ पूरी एसएनए की फैकल्टी पढ़ाती है, मैं खुद आपके यहाँ पढ़ाने आता हूँ, क्लियर है, काफी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ हरियाणा के लिए टारगेटेड बेटा, थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्लस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वाला बैच है। तो आज ही एसएनए ज्वाइन करें और अपने सपनों को सच करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। एसएनए की क्लासेस अच्छी लगती तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराए बेटा। थैंक यू सो मच।